चार्थेषु विज्ञसुरान् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदां यदा विनमयो यत्रत्र सर्गो वृषा धामना स्वयं सदा निरस्तपहकम् सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये
वंशी विभूषित करानवनीरदावान पीतांबरादरुण बिंब बलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुकादर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुवम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूरामणि। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदं मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरोदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तुमरे द्वार औ वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। वर्षाने की राधिका नंद काम के श्याम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णम नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रजाप्रियम कृष्णम द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे व्रजासुतम। उपस्थित सभी भक्त वृंद मातृशक्ति माताएं बहन भाई बंधु आइए सर्वप्रथम अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ेंगे और अपने आराध्य के हाथ जोड़कर विश्व शांति के लिए सर्वप्रथम प्रार्थना उपरांत में हम और आप सभी आज के इस कथाक्रम को और आज तो बड़ा ही सुंदर कथाक्रम है हमारे ठाकुर जी की बाल लीलाओं का वर्णन होगा। ठाकुर जी कैसे चंचल हैं कितनी नटखट हैं कैसी कैसी लीला करते हैं ये सुंदर लीलाओं का वर्णन बड़े ही मनमोहक हैं हमारे गोविंद और वो श्रवण बड़े पवित्र हैं वो श्रवण बड़े धन्य हैं जो भगवान की कथा पंडाल में बैठकर ठाकुर जी की बाल लीलाएं सुनते हैं। दसम स्कंद जिस दसम स्कंद में ठाकुर की लीलाओं का वर्णन किया गया है ये सबसे प्रिय है भागवत का प्राण है इसलिए इस भागवत के प्राण में हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय और एक कॉन्सेंट्रेट होकर इस कथा को श्रवण करना चाहिए। हे ईश्वर सब सुखी कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी सब भद्र बाबु देखे सतमार्ग के पथिक हूँ दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। से संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाषा हम सबके भगवान पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो गोद पोत धन दान से वंचित रहे न हो
से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सो भागे हो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें, उनके उपरांत में परम सदैव श्री गुरु जी महाराज के चरणों प्रणामों से प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम, ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुष समाज, सभी ब्राह्मण समाज, साधु समाज, पधारे हुए जनता जनार्दन और आस्था जन के माध्यम से देश विदेश में सभी लोग श्रवण कर रहे भक्त प्रेमियों को, उनके हृदय में उपस्थित परमात्मा सर्वेश्वर भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन। एक बार जरा जब तुम धीरे बोलते हो तो मेरे दिल के टुकड़े हजारों होते हैं। कितने होते हैं? हजारों होते हैं। इसलिए प्लीज आप लेजी मत बनिए, आलसी मत बनिए। जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति। जिए कैसे? बोले धर्म का प्रचार करते करते। मेरी सांस थम जाए तेरा नाम जपते जपते, मेरी सांस थम जाए तेरा नाम जपते जपते, जीवन मेरा गुजारो तेरा काम करते करते, जीवन मेरा गुजारो तेरा काम करते करते। हे गोविंद, मेरे जीवन की वो घड़ी कभी ना आए जिस घड़ी में मैं तेरा नाम भूल जाऊं और तेरा काम छोड़ दूं। चिंता मत करना, हमसे पहले भी लोग जन्म लेके आ चुके हैं, और इस बात की भी चिंता मत करना कि रोटी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि हमसे पहले जो आए उन्हें रोटी मिली। और इस बात की परवाह तो बिल्कुल भी मत करना कि हमें मरना पड़ेगा, क्योंकि यही संसार का काट्य सत्य है। जैसे खाना जरूरी है, जैसे सोना जरूरी है, जैसे काम करना जरूरी है, वैसे उससे भी ज्यादा जरूरी मरना है। मरने से डरना नहीं चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, मृत्यु को गले लगाना चाहिए।
डरे क्यों, क्यों डरे? एक बात बताओ, कोई बूढ़ा आदमी हो जाए जिस पे चला ना जाए, सुना ना जाए, देखा ना जाए, खाया ना जाए, पिया ना जाए, अब उसे क्या चाहिए? बोले उसके लिए सबसे बड़ा वरदान है मृत्यु। वो मरे, उसका दूसरा जन्म हो, फिर उसे एक नई जिंदगी जीने का सौभाग्य मिले। नई जिंदगी जीने के लिए वो अग्रसर हो। कब? बोले मरने से पहले तो ये संभव है नहीं, पहले मरना चाहिए। तो जब मरने से ही बंधन मुक्त होते हैं तो मरने से डरना क्यों है? अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए और विदाउट टारगेट अगर हम जिंदगी जिएंगे तो जिंदगी का सर्वनाश होगा। कौन सा नाश? हमें खुद नहीं पता चलेगा कि हम अपनी जिंदगी जी क्यों रहे। और यहां पर नहीं, मैं तो वर्ल्ड वाइज अगर बात करूं तो बहुत से लोग ऐसे ही जीते चले जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम क्यों जी रहे हैं, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप बिना लक्ष्य के मत जिए, आप लक्ष्य के साथ जीजिए। तो आइए पहले सर्वेश्वरी को मना लें, सर्वेश्वरी को प्रणाम करें, उसके बाद आज के कथाक्रम को प्रारंभ करें। तेरे बिगड़ी बना देगी, तेरे बिगड़ी बना देगी, चरण रज श्यामा प्यारी के, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज श्यामा प्यारी के, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज श्यामा प्यारी के, तेरी बिगड़ी बना देगी, बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, एक मस्तक पर, सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज श्यामा प्यारी की, सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज श्यामा प्यारी, तेरे बिगड़ी बना।
सबसे बचा लेगी चरण रज विश्व में शांति। शांति। सभी एक स्वर में बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, जरा दिल से भी बोलना पड़ेगा।
तबई होय सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। हमारे जीवन में संशय बहुत है, ये करने से ये होगा कि नहीं, हम ये कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, भगवान है या नहीं, भगवान है तो उसका काम क्या है, हम भक्ति क्यों करें, हम भजन क्यों करें, हम कथा क्यों सुने, हम तीर्थ क्यों जाएं। इवन कई लोगों को तो संशय कि हमें पैदा किसने किया, वो शक्ति कौन है। मानव जीवन में संशयों की कमी नहीं है, संदेहों की कमी नहीं है। संदेह कब भंग होंगे, जब किसी सद्पुरुष की संगति करोगे, जब जीवन में सत्संग करोगे। तबई हो, मानस कहता है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, तबई हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तुम्हारे संशयों का निवारण तभी होगा जब तुम अपने जीवन में सत्संग स्वीकार करोगे, सत्संग में जाओगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज का व्यक्ति सत्संग में पहली बात तो जाता नहीं है, और जाता भी है तो उतना रमण करता नहीं है, रमता नहीं है, और अगर रमण भी करने लग जाए तो पड़ोसी श्रोता ऐसा है जो करने नहीं देता। किसी का मोबाइल बज रहा है, किसी का कुछ बज रहा है, किसी का कान बज रहा है, किसी का मुंह बज रहा है, किसी का पानी का बोतल बज रहा है, किसी का बिस्किट का पैकेट बज रहा है, ये सब चलता रहेगा पूरी कथा भर। क्यों? क्योंकि एकाग्र हुआ ही नहीं, भटक रहा है ना मन, ये संदेहास्पद है, मैं क्यों सुनूं, डाउट है मिलेगा या नहीं मिलेगा। महाराज जी ने तो कह दिया कथा सुन लो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन डाउट है क्या मिलेगा, वाकई मिलेगा, संदेह है। लेकिन ये संदेह मिटेगा कब, ये संदेह समाप्त कब होगा, बोले ये संदेह तब समाप्त होगा जब सत्संग करोगे, जब किसी सत्पुरुष का संग करोगे, जब अपने सद्गुरुदेव के साथ में रहोगे तो तुम्हारा संदेह अपने आप दूर हो जाए। एक भक्त की कथा आती है, बहुत छोटे से भक्त, 5-6 साल का बालक वन में भ्रमण कर रहा है, अकेला कोई नहीं है, बस भ्रमण करता चले जा रहा है, भ्रमण हो रहा है। तो एक संत वहां अनेकों शिष्यों के सहित पधारे और संत जी ने प्रश्न किया, बेटा तू कौन है, कहां से आया है। प्रश्न सुनना, आपके मतलब का है, बेटा तू कौन है और कहां से आया है। छोटा सा 7 वर्ष का बच्चा प्रश्न का उत्तर देता है, बाबा मैं यही तो जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। उत्तर बड़ा सटीक है, बाबा मैं यही तो जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। आपको पता है आप कौन है, कोई मालती है, कोई सरोज है, कोई पूजा है, कोई कीर्ति है, कोई राम है, कोई श्याम है, कोई कृष्ण है, कोई ये है, कोई वो है, ये तो तेरे शरीर के नाम है, तेरा नाम क्या है, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, कहां से आए हो। कोई कहेगा आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद, आई एम फ्रॉम सोनी जी मुंबई, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। मैं कहूंगा आई एम फ्रॉम वृंदावन, यहां फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम इंग्लैंड भी बैठे। लेकिन ये तो आर्टिफिशियल है, ये सच्चाई नहीं है।
इसमें ईमानदारी नहीं है। सपोज मैं अमेरिका घूमने जाऊं, मैं इंग्लैंड घूमने जाऊं, मैं दुबई घूमने जाऊं, या मैं मुंबई घूमने जाऊं, या मैं पुणे घूमने जाऊं, या मैं क्या वो गोवा घूमने जाऊं, तो आई एम नॉट फ्रॉम गोवा, यू आर नॉट फ्रॉम गोवा। वहां तो थोड़ी देर के लिए गए बस, और जाके वापस अपनी मंजिल तक पहुंच गए, जाके हो वहीं लौट आए अपने घर पे। वैसे ही ये यात्रा है, ये जर्नी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आई एम फ्रॉम दिल्ली मुंबई, आई एम फ्रॉम फार्म जो भी, तो कहां से हम? बोला बाबा यही तो जानना है कि मैं कहां से हूं, बाबा यही तो जानना है कि मैं कौन हूं, यही तो जानना चाहता हूं। और यहां पर बैठे हुए अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि वो कौन, जानते हो? बोलो। मैं कहूंगा अपनी पहचान मत बनाओ, उसकी पहचान में अपनी पहचान जोड़ दो। अपनी पहचान मत बनाओ अलग से, उसी की पहचान में अपनी पहचान जोड़ दो। कह दो उस भाई, देखो भाई एक बात बताऊं, ऐसे व्यक्ति से रिश्ता जोड़ो जिस व्यक्ति को सब जानते हो। जब किसी से जोड़ना ही है तो ऐसे से जोड़ो ना जो फेमस हो, जिसका हमें एक तो हमारा खुद का कोई मामला नहीं है, हम अपने ही बारे में हमें कोई नहीं जानता, फिर रिश्तेदारी भी ऐसे से जोड़ ले जिसे कोई नहीं जानता। पहले अपना परिचय दो फिर उसका परिचय दो। अगर रिश्तेदारी जोड़नी है तो ऐसे रिश्तेदार को अपना रिश्तेदार बना लो जिसे दुनिया जानती हो, और उसे जानने के चक्कर में तुझे भी दुनिया जानने लग जाए, उसे जानने के चक्कर में तुझे जानने लग जाए। और ऐसा तो एक ही रिश्तेदार है। अगर तू अपनी पहचान बनाना चाहता है तो मेरे ठाकुर से अपना नाता ज्वाइंट कर ले, और फिर तू देख क्या होता है, दुनिया बदल जाएगी, लोग तेरे पास चले आएंगे। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो प्रैक्टिकल में बता सकता हूँ, इस कथा को करने से पहले हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज भारत में जो भगवान कृष्ण को जानते हैं उन्हें मालूम है कि कोई देवकी नंदन नाम का व्यक्ति है जो ठाकुर जी के गीत गाता है। मेरी बदौलत नहीं, क्योंकि मैंने जोड़ दिया अपने आप को उससे, और मैं ही क्यों, तमाम संत तमाम कथाकार जिन्होंने अपने आप को जोड़ दिया भगवान से, जिनके आगे आपका सर झुकता है, जिनको आप प्रणाम करते हो, ये उनकी खूबी नहीं है? जिनके आगे जाके आप साष्टांग प्रणाम करते हो ये उनकी विशेषता नहीं है? तो किसकी विशेषता है? ये बोलो गोविंद की विशेषता है, जिससे उन्होंने अपने आप को ज्वाइंट कर दिया है, जिनके साथ उनकी रिश्तेदारी जुड़ गई है, जिनके साथ उनका एक कोई रिलेशन बन गया है, ये उनकी विशेषता है। और उस विशेषता की बदौलत, उसकी कृपा, उसका प्रभाव कि आप लोग सभी जाकर उनके माथे पर अपना माथा टेकते हो, उनके दर पर जाकर अपना सर झुकाते हो, उनके दर पर जाकर, ये उसी कृष्ण की कृपा है, उस रिश्तेदारी की कृपा है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़े, सही है गलत है? बोलिए। 15 साल पहले 10 साल पहले आप जानते थे हमें? तो जब वो मेरे जैसे नाचीज को पहचान दे सकता है तो क्या वो आप जैसे गुणवान लोगों को पहचान नहीं दे सकता? बस यू विल ट्राई समटाइम, देन यू सी मेरे भाई बहन, देन यू सी कि बहुत अच्छा होगा। एक और बात आप सबसे करना चाहूंगा, भक्त नाबाजी, ये उन्हीं के बचपन की कथा है नाबाजी की। आप कभी बिहार जी गए हो तो आप लोग तो एसी रूमों में सोने वाले हो सबके सब, इसलिए बिजली की खपत ज्यादा होती है। कोई कमरे में नहीं भी होता तो भी एसी चलता रहता है, व्यर्थ की लाइटें बेकार कर रहे हो। बोलो राधे राधे। मैं तो निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा एसी में कम रहा करिए, जितना मेहनत कर सको उतना ही ज्यादा अच्छा, एसी में तन जो है बेकार हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो हम कह रहे थे आप बिहार जी गए हो तो बांके बिहार जी के मंदिर में आप जाकर देखो, वहां पर
पंखे और एसी नहीं है आज भी, वहां हवा करने का वो एक वस्त्र लटका हुआ है और बाहर कोई भक्त बैठे रहते हैं और डोरी से वो पंखा हिलाते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ठाकुर जी की सेवा होती रहती है। तो नावाजी के गुरु जी मानस पूजा कर रहे थे, दरवाजा बंद था और दरवाजा बंद करके वो मानस पूजा कर रहे थे। और जब मानस पूजा चल रही थी तो नावाजी बाहर बैठे हुए थे और नावाजी बाहर बैठकर वो हवा कर रहे थे पंखे से, तो उनके गुरुजी जब पूजा कर रहे थे ना तो वो श्रृंगार कर रहे थे, स्नान करा रहे थे, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया और फिर भोग लगा दिया, वस्त्र पहना दिए, आरती हो गई, अपने हाथों से माला भी बनाई, ये मानसिक पूजा चल रही है, अपने हाथों से माला बनाई और माला बनाकर जब ठाकुर जी को पहनाने लगे तो अचानक एक स्थिति बदल गई। क्या बदली? कि उन गुरु जी का एक और शिष्य बाहर गया हुआ था विदेश परदेश धन कमाने के लिए और उनका जो जहाज था वो धन के सहित समुद्र में फंस गया, भारी तूफान आ गया और जब तूफान आ गया तो वो कुछ और तो उन्हें सूझा नहीं, उन्होंने अचानक से कहा, हे सदगुरुदेव मेरी रक्षा करो, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, मेरा जीवन आप ही के सहारे है, नहीं तो मैं इस तूफान में समाप्त हो जाऊंगा, मेरा ये इतना संपत्ति सब पानी में डूब जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। अब मानस पूजा में वो माला ठाकुर जी को पहना नहीं सक रहे गुरु जी, बाहर नावाजी बैठ के हवा कर रहे हैं। जब नावाजी बाहर बैठे हैं तो अचानक से उन्हें याद आ गया, नावाजी को पता चल गया कि गुरुजी की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि उनका ध्यान कहीं और है। तो नावाजी ने कहा, अगर मैंने एक क्षण भी ठाकुर जी की सेवा मन क्रम वचन से अपने गुरुजी की सेवा की है तो उस भक्त पे से तुरंत संकट टल जाए, तूफान बंद हो जाए। नावाजी ने ऐसा कहा, तूफान ठंडा पड़ गया और एकदम शांत हो गया, भक्त बच गया। और नावाजी आवाज देकर कहते हैं, गुरुजी अब आप ठाकुर जी को माला पहना दीजिए क्योंकि आपका भक्त सुरक्षित हो गया। लेकिन प्रेमी के लिए जरूरी है, मैं हमेशा कहता हूं प्रेमी के लिए सबसे बड़ी पक्की बात पता है क्या है, कि वो नंबर एक बेशरम होना चाहिए। मैं लाइव टेलीकास्ट आस्था पे बोल रहा हूं तो इस बात में कोई दम होगा कि वैसे ही बोल रहा हूं? जब तक तुम्हारे मन में शर्म रहेगी दुनिया की, तुम भगवान की भक्ति सच्चे मन से नहीं कर सकते। तुमको ये चिंता सताती रहेगी, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, ये चिंता तुम्हें सताती रहेगी। और चिंता चिता से बड़ी होती है, आप ठाकुर से सच्चा प्रेम नहीं कर सकोगे। आरती कर दे, ओम जय जगदीश, अरे भोग लगा दो प्रभु, 56 भोग लगा लो, नहीं चाहिए उसे, ना उसे 56 भोग चाहिए, न तेरी आरती चाहिए, मेरे ठाकुर को सबसे पहले तेरा चित्त चाहिए, तेरा मन चाहिए, पहले अपना मन मेरे गोविंद को दे। जब तू अपना मन मेरे कृष्ण को दे देगा तो मेरा कृष्ण तुझे अपना सर्वस्व दे देगा। सबसे जरूरी है तू अपना मन दे, और अभी तक यहां पर बहुत कम लोग बैठे जिन्होंने अपना मन दिया है, धन देने वाले बहुत बैठे लेकिन मन देने वाले बहुत कम है, रेयर। और मन तब तक नहीं दे सकते जब तक आप दुनिया के लिए बेशर्म ना हो जाओ, जब तक आप ठाकुर से सच्चा प्रेम ना करो। और जिस दिन आपको मेरे गोविंद से सच्चा प्रेम हो गया उस दिन कुछ और की चाहत नहीं होती, कुछ और आवश्यकता, कोई और नीड नहीं होती।
भक्तों ध्यान से सुनना, कि तुम जब सच्चे मन से एक सखी की कथा मुझे याद आ रही। प्रेम जानते हो किसको कहते हैं? हम तो प्रेम भी अपने हिसाब से करते हैं, चलो जी 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, चलो जी 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, चलो जी 3:30 बजे महाराज जी कथा शुरू करते तब तक तो पहुंच ही जाएंगे, है ना? ये प्रेम है आपका। जब मैं आता हूं तब उतने लोग नहीं होते जितने अभी हैं, अभी भी लोग आ ही रहे हैं, ये आपका प्रेम है। और गोपियों का प्रेम, जब उन गोपियों को पता चलता था ना कि कन्हैया गैया चराए के आए वारो है, तो कन्हैया के आए वेते कम से कम 3-4 घंटा पहले छत्तन पे जाके ठाड़ी आ जाए। काय को बोले कन्हैया निकरेंगे। अरे साहब एक बात है, उसके इंतजार में जो पल बिताए जाते हैं वो भी बड़े यादगार होते हैं। अगर तुमने ईमानदारी से किसी से प्रेम किया होगा ना, तो जब कभी अपने प्रेमी का इंतजार किया होगा ना, तो तुम्हें पता होगा कि उस इंतजार की कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। प्रेम किया है कभी? किया ही होगा। ऐसे साधु तो मुझे तुम दिख नहीं रहे, हाँ सन्यासी तो बने नहीं। अब झूठी हाथ उठा दो तो ठीक है, गलत है। तो जब आप प्रेम करते हो और जब आपका प्रियतम नहीं आता है, जब आप उसका इंतजार करते हो, तो वो दिन वो पल वो क्षण कुछ समय बाद हमारे लिए यादगार कहानियां बन जाते हैं। हम कभी तुम्हारा इंतजार किया करते थे, घंटों घंटों इंतजार किया करते थे, लेकिन वो घंटे बेकार हैं जब तुम दुनिया वालों का इंतजार करो, और वो घंटे बहुत अच्छे हैं, वो समय बहुत अच्छा है जब तुम अपने कान्हा का इंतजार करो, अपने कान्हा की कथा का इंतजार करो, अपने गोविंद की कथा का इंतजार करो। वो पल बड़ा सुंदर है, कीमती है, अनमोल है। जब कृष्ण गैया चरा के 3-4 घंटे पहले से लोग छत पे गोपियां खड़ी हो जाती थी, कान्हा आएंगे कान्हा आएंगे। एक दिन एक सासू मां ने सखी पकड़ ली अपनी बहू इतकुआ, सुन नहीं है का इतकुआ? जी माता जी सुन नहीं हूं, बताओ कहा काम है? बोले मैं तो एक बात बता दूं। कहा? एक बात मान ले मेरी। बोले 100 मानूंगी, आज्ञा करो। बोले एक बात मान ले कि जब कृष्ण गैया चराए के नंदगांव में वापस आयो करे, वास में तू कृष्ण मत देखियो। जो कोई कृष्ण देखे वो काऊ काम को नहीं रहे। गोपी ने कही जो आपकी आज्ञा, आज के बाद मैं कृष्ण को नहीं देखूंगी, अब तक देखियो है अब नहीं देखूंगी, परंतु एक प्रार्थना है, आज के बाद जब आपको वो आज्ञा देनी पड़े तो फिर तुम वो कहां ढूंढोगी? ध्यान से सुनना, दिस इज गोपी प्रेम। ये संसार का प्रेम नहीं है, ये आर्टिफिशियल डुप्लीकेट दिखावे वाला प्रेम नहीं है। इस गोपी की भावना को सुनना, ध्यान देना। गोपी कह रही है मैं आज के बाद कृष्ण को कबो नहीं देखूंगी अगर आपने ना ही कर दी है तो, पर आज के बाद जब आप मुझे आज्ञा देनी पड़े तो अब मैं तो तुम्हें देखूंगी नहीं। क्यों? बोले जब कृष्ण को देखूंगी नहीं तो मैं जीऊंगी नहीं, मैं जीऊंगी नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अगर मैं कृष्ण को देखूंगी नहीं तो जीऊंगी नहीं, जीऊंगी नहीं तो मैं मर जाऊंगी, और मर जाऊंगी तो कहां मिलूंगी? अगर आपको मन करे मुझे देखवे को, मुझे आज्ञा देवे को, तो मैं आपको जगह बताए के जा रही हूं, आप वहां आज्ञा दे दो करी हूं। कहां? बोले जो कृष्ण वर्म पुष्पमाल पहने ना,
जो कृष्ण पुष्प माला पहने उन पुष्प मालान के पास में अगर कोई भमरा मडराम तो बहो तुम्हें दिख जाए तो समझ लियो कि यही मेरी बहू है और तुम्हें जो आज्ञा देनी हो वह भमरा ही दियो, क्योंकि मैं कृष्ण को नहीं देखूंगी तो मैं जिंदी नहीं रहूंगी और अगर मर गई तो बनूंगी भमरा जो कृष्ण के इर्द गिर्द घुमा करूं, कृष्ण के पास घुमा करूं। दिस इज ट्रू लव, अमेजिंग, ऑसम। ये है गोपी प्रेम। एक बात बता दूं, प्रेमी कभी मरने से नहीं डरता। जिसने अगर प्रेम किया है ना तो वो मरने से नहीं डरता, डरता है। और जो डरे उसने प्रेम नहीं किया। अगर गोविंद से प्रेम हो जाए तो मरने से मत डरना। क्या पता मेरे प्रियतम को यही मंजूर हो कि ये मरे तुम्हें से गले लगाऊं, और अगर कृष्ण के गले लगने की कीमत मरना है तो कल नहीं, ये कीमत हम आज अभी इसी वक्त चुकाने को तैयार हैं। कृष्ण से गले लगने की कीमत अगर मृत्यु है तो आज अभी इसी वक्त। लेकिन ये प्रेम गोपियों का है, हमें और आपको तो नसीब हो नहीं सकता। क्यों? हम और आप कलयुग के लोग हैं। हम लोग 3 घंटे कथा सुनते हैं और तुरंत कानों में कोई आवाज दूसरी आती है और दुनिया हमें अपनी ओर खींच लेती है। जो आवाज इग्नोर कर दे वो शायद गोपी बन सकती है। और मैं निवेदन करूंगा यहां बैठी हुई हर स्त्री हर पुरुष कृष्ण की गोपी बने और कृष्ण को पाने की चेष्टा करे, यही प्रार्थना है, यही निवेदन है और यही ठाकुर से विनम्र निवेदन है। तो कौन कौन बेशरम है? है कोई? कौन कौन बेशरम है? हाथ उठाओ। है ना गजब की बात, मतलब कई शर्मदार भी बैठे हैं। और यहां तो इन सब में इन सब का वो तो मैं ही हूं, हेड तो मैं ही हूं। अरे भाई, कोई ज्ञानी गुरु होगा तो सबको ज्ञान देगा, कोई त्यागी गुरु होगा तो सबको त्याग देगा, और हम जैसा कोई बेशरम होगा तो सबको बेशरम ही बनाएगा ना। अपनी गारंटी है सब, दूसरों का हमें नहीं पता। बोलो कौन कौन है? बन गए? इसीलिए कहते हैं कुछ संग करोगे तो बनोगे ना। इसलिए अच्छे नंबर एक बेशर्म लोगों का संग करो जिससे तुम कृष्ण को प्रेम कर सको और बेधड़क कृष्ण को अपना सको और दुनिया के आगे जोर से चिल्ला के कह सको कि मैं गिरधर की, गिरधर मेरे, उन संग जन्म जन्म के फेरे, उन संग जन्म जन्म के फेरे। एक वो पंजाबी भाषा में भजन गाते हैं, सोने मुखड़े का लेन दे नजारा के तेरा केड़ा मुल लगता है। रहने दो, नहीं चलो अभी कथा सुनानी है मुझे, पहले कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, और जब ठाकुर जी को जन्म भयो तो ब्रजवासिन के क्या बात है, बधाई देवे वारे ने की लंबी लाइन लग रही है। मैया बधाइए, बाबा बधाइए, और जो गोपी कन्हैया को गोद में ले लेने वा को मन नहीं करे कृष्ण को देवे को, वो कृष्ण को अपनी गोद में खिलामती रहे और मन करे कि लाला मैं अपनी गोद से ना उतारूं, परंतु फिर भी अब जो मेरा भाग्य है मैं तो यही चाहूंगी कि सबको भी कृष्ण खिलाने को मिले, तो वो सबको कृष्ण को देती है और सबको आनंद का, उस अनुभव का, सौभाग्य का अधिकारी बनाती है। कृष्ण के उस उत्सव में, नंद महोत्सव में सब झूम रहे, सब गा रहे, सब नाच रहे और बड़ा ही आनंद आ रहा है, और वो आनंद अवर्णनीय है। और सब गोपियां कह रही हैं, हे प्यारे, हे मोहन,
सोने मुखड़े दा मेरे नैनों से नैना बेला लेके तेरा
चले कन्हैया से प्रेम करने। एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, प्रेम तुम्हें नाचना सिखाता है और प्रेम तुम्हें कवि बनाता है। देखिए ये ब्रज के जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए ना, जिन्होंने पद गाए, ये बहुत बड़े स्कूल कॉलेज में कभी पढ़ने नहीं गए, इन्होंने प्रेम किया और इन्हें लिखना आ गया, इन्होंने प्रेम किया और इन्हें नाचना आ गया। ब्रज की गोपी कथक सीखने गई थी क्या कहीं? बोलिए, ब्रज की गोपी कहीं पे वो कथक सीखने गई थी, सिंगिंग सीखने गई थी, कविता सीखने गई थी? आ गया क्यों? बोले प्रेम हो गया तो आ गया। अगर आप मेरे ठाकुर जी से प्रेम करोगे तो बैठे बैठे ही गोपी हो नाचती रहोगी। सोने मुखड़े दो, सोने मुखड़े दो, मेरे नैनों से नैन मिला ले, तेरा केड़ा मुल्ल लगदा, मेरे नैनों से नैन मिला ले, तेरा केड़ा मुल्ल लगदा। बोला कैसे करिए? थे वो सब नाचे। कौन कौन था प्रेमी? कौन कौन था प्रेमी? कौन कौन नाचे? बैठे बैठे हाथ ऊपर करो दोनों, और तब तक रखना जब तक मैं ना कहूं। सोने मुकड़े दा, सोने मुकड़े दा, लेण दे नजारा के तेरा कहना मुल लगदा, सोने मुकड़े नजारा तेरा केड़ा मुल लगदा।
हाथ ऊपर रखो, हिलाना नहीं, रुको मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हिलाना नहीं अभी, और जब नृत्य शुरू हो तो पहले राइट और फिर लेफ्ट, शुरू में राइट फिर लेफ्ट, और सब एक साथ नाचेंगे और उसे दिखा दे कि हम ले भी जानते हैं, हम ताल भी जानते हैं, और हम इतनी बड़ी संख्या में तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी नहीं, जब मैं कहूं अभी नहीं, और एक साथ सोने मुखड़े दा, सोने मुखड़े बराबर थे, कुछ लेजियों ने काम बिगाड़ दिया। जोर से बोलेंगे तो वो ब्रज की गोपी कृष्ण का मुख देख देख कर बड़ी प्रसन्न हो रही है। उसी वक्त पूतना आई, जब कृष्ण 6 दिन के थे, कृष्ण को मारने के लिए रूप बदल कर भेष बदल कर पूतना आई है, स्तनों से कालकूट विष लगाकर आई है, और कालकूट विष लगाकर कृष्ण को मार देना चाहती है, दूध के बाने विष पिलाना चाहती है। जो कन्हैया थे, जो धर्म थे, जो धर्म से जुड़े हुए लोगों से छल करे, कपट करे, अपने धर्म को नुकसान पहुंचाए, वही पूतना है। जो भगवान से भी सच नहीं बोलती है, भगवान के आगे भी दिखावा करती है, पाखंड करती है, जैसी है वैसी नहीं। देखो भाई, भगवान के आगे जब भी जाओ तो तुम जैसे हो ना वैसे ही बन के जाओ, दिखावा नहीं चलेगा वहां। तुम बुरे हो तो भगवान को कहो कि हां मैं बुरा हूं, और अगर अच्छे हो तो भगवान को कहो ये भी आप ही ने बनाया है, मैं जैसा हूं वैसा आपका हूं, ये शब्द आपके मेरे गोविंद के प्रति नित प्रति होने चाहिए। गोविंद को हर दिन बताओ कि मैं जैसा हूं आप ही का हूं, उसमें दिखावा नहीं, उसमें कोई भी छलावा नहीं। और जो भगवान के आगे भी भेष बदल के कपट करके जाए, जैसे इनसाइट अंदर नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी भगवान को दिखा रहे, तो वो भगवान को लोग ऐसे पसंद नहीं, फिर भी भगवान उनका बुरा नहीं करता है, पर वो अच्छे नहीं लगते भगवान को, उनसे बात नहीं करना चाहते भगवान, उन्हें देखना नहीं चाहते भगवान। जैसे ही पूतना रूप बदल कर गई, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, देखा ही नहीं। बनके तो अच्छी गई है, ठीक ठाक बन के गई, बड़ी मलूक बन के गई, इतनी मलूक जो कोई देखे तो यूं कहे ये तो भैया स्वर्ग ते लक्ष्मी जी आ गई लगे, इतनी मलूक है, कोई बोल नहीं सके, बड़ी मलूक लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है, कोई नहीं बोले। परंतु कृष्ण ने वाकी तरफ देखो ही नहीं, आंख ही बंद कर ले, नेत्र बंद कर लिए। भगवान हमेशा पुण्य देखना चाहता है, परमात्मा हमेशा धर्म देखना चाहता है, परमात्मा हमेशा सत्कर्मियों को देखना चाहता है, तो हमें सत्कर्मी बनना चाहिए। नेत्र बंद कर लिए कृष्ण ने, पूतना ने कृष्ण को उठायो, कन्हैया ने निश्चय कर लियो कि चाहे ये मोई विष पिवावे के लिए आई है, परंतु मैं याकु सदगति प्रदान करूंगा जो मैंने मैया यशोदा के लिए सोच रखी। पूतना ने अपनो स्तन कन्हैया के मुख में दियो, कन्हैया ने कस के पकड़ लिए दोनों हाथन से, कहूं भाग नहीं जाए, वैसे भगवान जाए पकड़ ले वो भाग नहीं सके, फिर कहूं कि तो को नहीं जाएगा, पकड़ लेगा नहीं, यहां कहां जाएगा बता। जैसे कृष्ण दूध पान करवे लगे तो वो समझ गई कि कछु होएगा, अब मैं यार नहीं मार पाऊंगी, अब ये मोई मारेगा, तो वो थोड़ी देर बाद ही अपने आप को छुड़ावे लगी, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। कन्हैया मन ही मन कह रहे, अरे मौसी
जाय मैं एक बार पकड़ लूं भाई कब छोड़ू ना हूं, और जाय मैं छोड़ दूं भाई कब पकड़ू ना हूं। अब तो मैंने तू पकड़ ली, अब तो छोड़ूंगा ना। और ये सच है, कृष्ण जिसे पकड़ ले उसे कभी छोड़ता नहीं है, और जिसे छोड़ दे उसे कभी। ऐसा कर्म मत करना कोई जिससे मेरा कृष्ण तुम्हें छोड़ दे, कभी भी ऐसा कर्म मत करना। अगर एक बार उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कहीं के नहीं रह सकोगे, तुम कृष्ण से मिलने के लायक नहीं रह सकोगे। इसलिए चाहे वो तुम्हें पकड़ने में देर कर दे, लेकिन ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे वो तुम्हें छोड़ दे। एक बात सुना, एक जीव ने भगवान से कहा, हे गोविंद तुम मुझे पकड़ लो। भगवान बोले, मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों पकड़ूं, मुझे क्या जरूरत है मैं पकड़ूं। अगर तुझे जरूरत है तो तू पकड़, अगर तुझे जरूरत है तो तू पकड़ना। जीव बोला, प्रभु जरूरत तो मेरी ही है, पकड़ना भी मुझे ही चाहिए, परंतु मेरे प्रभु मेरी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है कि मैं आपको हमेशा पकड़ के रख सकूं, मेरी पकड़ बड़ी कमजोर है। जब भी थोड़ी सी हवा चलेगी भोगों की विलासों की, जब भी थोड़ी सी आंधी आएगी वासनाओं की, जब भी बादल गिर के आएंगे विपत्तियों के, तो मेरी पकड़ कमजोर हो जाएगी और मुझसे आपका हाथ छूट जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे, अगर आप मुझे पकड़ ले तो मुझे यकीन है कि आपकी पकड़ में वो दम है, इतनी मजबूत है आपकी पकड़ कि इस दुनिया में ऐसा कोई तूफान ही नहीं बना जो आपकी पकड़ को कमजोर कर दे। अगर आपने मुझे पकड़ लिया तो मैं हर तूफान का सामना कर लूंगा, हर आंधी का सामना, हर विपत्ति का, हर मुसीबत का सामना कर लूंगा। कोशिश करना कि मेरा ठाकुर तुम्हें पकड़ ले। जब ये दुनिया वाले तुम्हें पकड़ते हैं ना, तो समझना मेरे ठाकुर ने अपनी डोर ढीली कर दी है। जब भी ये तेरा बाबरा मन दुनिया में भटके तो समझना मेरे ठाकुर ने डोर ढीली कर दी, जा कितना जाना चाहता है मैं देखूंगा। लेकिन जब मन सब जगह से छूट कर सिर्फ गोविंद की याद में रख जाए तो समझना मेरे गोविंद ने तुझे कस के पकड़ा हुआ है, वो तुझे छोड़ने को कतई तैयार नहीं, वो तुझे छोड़ना नहीं चाहता, वो तुझे पकड़ के रखना चाहता है। और ये पकड़ मजबूत होगी गोविंद की, इसलिए कोशिश करते रहो कि वो तुम्हें पकड़े। ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिससे वो मुझे छोड़ दे, वो मुझे छोड़े नहीं, वो मुझे पकड़ के रखे। पूतना का वध किया मेरे ठाकुर ने, और पूतना का वध करने के बाद में एक सकटासुर नामक राक्षस भी आ गया, उसका भी वध किया मेरे ठाकुर ने, उसका भी कल्याण किया मेरे ठाकुर जी ने। ऐसे धीरे धीरे करके कुछ समय निकलता गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन की बात है, गर्गाचार्य जी महाराज वहां पर पहुंचे। गर्ग प्रोहितो राजन यदु नाम सुमहातप ब्रजम जगामी नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी जो उनके कुल पुरोहित थे उनको भेजा, जाके देवकी के पुत्र का, रोहिणी के पुत्र का नामकरण कराओ। अब छुपके गए, क्यों? क्योंकि ये वसुदेव जी के कुल गुरु हैं, और कंस को बड़ी चिंता सता रही है, क्योंकि जब कन्या को मारा था ना, मारना चाह रहा था, तो कन्या उड़ गई आकाश में। और उस कन्या ने एक बात कही कि तू मुझे क्या मारेगा, तू मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मारने का काम किसी और के हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है, तू मुझे नहीं मार सकता। पर हां, जिसके लिए तूने इतनी बाल हत्याएं की है ना, वो तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। अब कंस बोला, देवी जाते जाते जो तो बता जाओ भयो कहां है, अब ढूंढू कैसे। बोले, तू चिंता मत करे, तू मत ढूंढियो, जादना तेरो समय आवेगो वो तू अपने आप ढूंढ तो चले आवेगो, अपने आप तो ही ढूंढ लेगो। फिर भी ज्यादा नहीं, फुल एड्रेस नहीं दिया, थोड़ा सा एड्रेस दे दिया, ब्रज में प्रकट भयो, जा कर ले तो पे जो होए।
और जादना दे पता चलिए ब्रज में प्रकट भयो, बैदना दे तमाम मुसीबत भेज दे ब्रज में जाओ, जितने भी एक महीना तक के बालक है सब ने मारो, वाई के काजी पूतना भेज दे बालक आत्मी, और पूतना मार दे तो पता चल गई हाँ यही होगा, नेक्सो सो बालक पूतना मार दे इतनी बलवान जाए। पूतना जो है कंस की धर्म की बहन है, दिल्ली में बड़ी धर्म की बहन मिल दी ने, सगी बहन नु पूछ दे नहीं है और धर्म की बहन बना दे फिर देने, अगर अपनी बहन हो ना तो पहले अपनी बहन के साथ में अच्छा व्यवहार करना सीखो, धर्म की बहन तो तब बनाओ जब तुम्हारी बाकी कोई बहन ना हो या उसके कोई भाई ना हो, और जब बहन कह दो ना तो उस शब्द को निभाना। कहीं ऐसा मैंने कई बहनों को देखा जो धर्म की बहन है, धर्म के भैया हैं, एक दो हफ्ते रहते, एक दो महीने रहते, एक दो साल रहते, उसके बाद में न भैया नजर आए न बहन नजर आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये लोग राक्षस तो थे पर फिर भी धर्मात्मा थे, कहीं ना कहीं वचन निभाते थे। जब कंस इस पूतना को हरा नहीं सका तो इसको अपनी बहन बना लिया, धर्म की बहन, और ये धर्म की बहन इतनी श्रेष्ठ कि अपने भाई के लिए, धर्म के भाई के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगाने चली गई और प्राण दे दिए सिर्फ अपने धर्म के भाई के लिए। कंस को जब पता चला कि जाने मेरी बहन मार दी जाए मैं नहीं हरा सके, तो निश्चित तौर पे यही बालक है वो, तो अब उस बालक को मारने के लिए वो नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगा, और इसलिए गर्गाचार्य जी वहां चोरी छिपे गए और नामकरण संस्कार किया, रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम रखा और यशोदा के पुत्र का नाम कृष्ण रखा, कृष्ण जो सबको मोह ले। अच्छा कभी सोचा है आपने जिसकी कथा तुम्हें यूं मोह लेती है वो कितने मोहक होंगे? अच्छा सच्ची बताओ ये कथा किस किस के मन को मोह लेती है? मन नहीं करता घर में रुकने का, जब भी ये सुनने को मन करता है कथा हो रही है तो हमारा मन दौड़ पड़ता है, ईमानदारी से झूठ नहीं, हाथ उठा दो कि मुझे बहका सकते हो, भगवान को थोड़ी बहका सकते हो, किस किस का मन कहता है कि नहीं है कथा सुनने जाना है, इतना आनंद इतना रस इतनी आत्म शांति इस कथा में मिलती है, किस किस का मन करता है? तो अब बताओ मन मोहित हुआ कि नहीं, जवाब दो। तो कल्पना करो जिसकी कथा तुम्हारा इतना मन मोह लेती है, उन कृष्ण के जब दर्शन उन गोपियों को होते होंगे तो उन गोपियों का मन कैसा हो जाता होगा, जरा बताओ तो, जरा कल्पना तो करो, कल्पना भी वहां नहीं जाएगी इतने सुंदर हैं वो। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे ये बांसुरी, जहां कवि की कल्पना भी नहीं जाती वहां कृष्ण की बांसुरी की सुगंध वो स्वर जाता है, वहां कृष्ण की सुंदरता उन गोपियों को मोह लेती है। जिनकी कथाएं तुम्हें इतना भक्त बना देती हैं, जिनकी कथाओं ने हजारों हजार लोगों का जीवन धन्य कर दिया, जिनको भक्त बना दिया, वो कृष्ण स्वयं जब गोपियों को दर्शन देते होंगे तो भला उस दृश्य का वर्णन कौन कर सकता है? किसमें वो दम है, किसकी जुबान है जो कह सके कि मैं पूर्ण ज्ञानी में वर्णन करूंगा? नहीं है। हमारे ब्रज के एक भक्त हैं, उनने एक बहुत अच्छो भजन बनायो, और कैसो प्यारो भजन बनायो, जोरस बरस रहो ब्रज माही वाको दर्शन कहूं जग नाही, जो आनंद जो रस इस ब्रज में बरस रहा है वो त्रिलोकी में नहीं है, त्रिलोकी में उसका दर्शन भी नहीं होता। क्यों? बोले त्रिलोकी जो रस ब्रज में बरस रहा है ना, ब्रह्मांड को बनाने वाला
ब्रह्मांड को रस प्रदान करने वाला वो ब्रह्मांड नायक स्वयं इस ब्रज में खेल रहा है। तो जिसका ब्रह्मांड बनाने वाला जो खुद ब्रज में रहता हो वो कहीं और कैसे आनंद आ सकता है, वो रस कहां मिला है, वो तो यहीं पाया जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कन्हैया धीरे धीरे बड़े भए, अब इनकी नटखट इनकी चंचल लीलाएं प्रारंभ हो गई। और बड़े चंचल हैं हमारे ठाकुर जी, बड़े चंचल हैं मेरे मोहन, बड़े चंचल हैं। अब तो ठाकुर जी ने बहुत प्यारी लीला करी, ब्रज की माटी खाई। बहुत प्यारी लीला है, ब्रज की माटी खाई। और मैया ने कान पकड़ो चोरेदारी के, तेने माटी खाई है। झट एक सेकंड की देरी करे बिना, एक सेकंड की देरी करे बिना झूठ बोलवे शुरू हो गए। ना हम बक्षित वानंब सर्वे मिथ्या विसंसने, माँ मैं 23 सौगंध खा रहा हूं, मैंने माखन मैंने माटी नहीं खाई, माखन खाए वारो माटी क्यों खाऊंगा। अरे दारी के ये सब तो बोल रहे तेने माटी खाई, बोले सबके सब झूठा है, बोले सब झूठा है, तू ही सांच हो। बोले मैया मैं 23 सौगंध है झूठी खा सकूं। अरे मैया तू बाहर वारे न पे विश्वास कर रही है, तो भीतर अपने बालक पे अपने लाला पे विश्वास नहीं। अच्छा मैया एक बात बता, मैं तोते क्यों झूठ बोलूंगा। अच्छा ठीक है, तेने माटी नहीं खाई, मैया 23 हूं, मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा तेने माटी नहीं खाई ना, चल अपना मुंह खोल के दिखा, मुंह खोल के दिखा। कन्हैया समझ गए सारे, मुंह खोलेगो तो माटी दिखेगी, माटी दिखेगी तो चोरी पकड़ी जाएगी, मैया फिर मार लगावेगी। फिर अब का करूं, तुरंत कन्हैया ने लीला करी। बोले मैया कह रही है मुंह खोल के दिखा, तो मुख में तो वो सब दिखेगा जो मुख में है, मतलब माटी दिखेगी। तो कृष्ण ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की, ही इज वेरी गुड प्लानर, बहुत अच्छे हैं। ठाकुर जी ने सोची जो जितना कछु मेरे मुंह में सबको दर्शन करा दे, जो कछु है सब दिखा दे। और ये पूरा ब्रह्मांड कहां है, कृष्ण के मुख में ही तो है, वो जगतपति के गर्भ में ही तो है, सब कुछ उसी के अंदर समाया हुआ है। कन्हैया ने मुख खोला, बड़ा विराट रूप बना लिया और दर्शन कराया, मुख खोला और जैसे ही मुख खोला उसमें पूरा ब्रह्मांड, वो चांद तारे सूरज धरती आकाश सातों समुद्र शंकर ब्रह्मा नारायण सब दिख रहे, पूरा ब्रह्मांड को दर्शन है गयो। और जैसे ही ब्रह्मांड को दर्शन भयो, मैया मूर्छित है के गिर पड़ी। जिको है, अरे जी कौन सी बला आ गई, मैं तो ये छोरा समझो कर रही अपनो, जाके मुंह में तो समुद्र भी है धरती भी है आकाश भी है, और की तो बात छोड़ो चांद तारे सूरज भी है, हमने सुनी चार मुंह वारो ब्रह्मा, वो तो यही के मुंह में बैठो, वो चार मुख वारो या के मुख में बैठो। मैया सोच सोच के मूर्छित है गई। अब कन्हैया बोले सारे ये तो गयो है गयो काम, अब अगर मैया ने मैं भगवान मान लियो तो माखन मिश्री हाथ ते गई, अब माखन नहीं मिले खावे को। अरे भगवान को कोई माखन थोड़ी मिलता है खाने को, बच्चों को वो भोजन नहीं मिलता जो बच्चों को मिलता है ना, भगवान को नहीं मिलता, मिलता है भगवान की तो वैसे ही आरती पूजा करके विदा कर देते, ठीक है महाराज आज घर में पार्टी है तो घर में कुछ बना नहीं है, दूध भी आज दे के गया नहीं है, तो ठीक है आप तो भाव से ही पाते हो, ले हम समझ ले कुछ भी रख गए आपको, थोड़ा आज व्रत रखना एकादशी है। भगवान बोले बेशरम निकम्मे, खुद तो जाए के खावेगो मैं शाही पनीर है, खुद तो उड़ावेगो रसमलाई, और हम तो कह रहे हो कर लो एकादशी को व्रत। अरे तेरो भगवान भलो करे तेरो, हम नहीं दयो तो पार्टी को समय और हम पे करवा दियो व्रत,
बोला अच्छी बात है क्या ये? मतलब जितना हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं उतना हम भगवान से नहीं करते, राइट? कन्हैया बोले भगवान बनने में तो नुकसान ही नुकसान है, बेटा बनने में ही फायदा है। अब ठाकुर जी बोले बेटा कैसे बनूं, याने तो दर्शन ब्रह्मांड को कर लियो। तुरंत योग माया बुलाई, देवी जी प्रकट हो, बोले आज्ञा करो स्वामी। बोले स्वामी वामी छोड़, पहले एक काम कर, जो मैया ने देखो वो सब भूल जाए, ऐसी लीला कर। और तुरंत भूल गई, जैसी यहां खुली हो सायो, अब मैया संशय में पड़ गई, जो मैंने देखो वो सही है कि अब मैं जो देख रही हूं वो सही है, है ना? कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्म की स्थिति प्रकट हो जाती है, सच क्या है। अब मैया की कन्हैया गोद में बैठे मैया की में, और थोड़ी ते हाथ लगायो, और थोड़ी ते हाथ लगाए के बोले हाय मैया तू बड़ी प्यारी है, तू मेरी मैया मैं तेरो लाला। और जब इतने प्यार थे कही तू मेरी मैया, भूल गई मैया के मुंह में कहा देखो, सब भूल गई, बस याद रहो तो मेरो लाला है, मेरो कन्हैया है, मैं याकी मैया हूँ। और क्यों ना हो, भगवान अगर गोद में बैठ जाए तो भला दुनिया कौन क्यों याद रखे, किसको याद रखे, क्यों याद रखे, हमें कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ गोविंद का दर्शन हो रहा है। राधे राधे बोलना जोर से और जोर से। ये ब्रज की जो रज है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। राम अयोध्या में आके रज नहीं पाते, लेकिन कृष्ण और ब्रज में आकर, वृंदावन में आके रज पाते, रज को स्वीकार करते। एक बहुत दूर से बाहर से कोई भक्त आए थे, वो वृंदावन चले गए परिक्रमा देने के लिए। और जब वो वृंदावन परिक्रमा देने के लिए गए ना, तो वहां उन्होंने देखा एक ब्रजवासी परिक्रमा दे रहे हो, और जब ब्रजवासी परिक्रमा दे रहे हो तो हमारे ब्रजवासियों का थोड़ा स्टाइल होता है, जब तक पटका झटका न डाले ना तब तक आनंद नहीं आता, दिस ब्रजवासी स्टाइल। ये कृष्ण का स्टाइल है, वो पीतांबर पटका डाले बिना कहीं निकलते नहीं थे। आजकल तो जिसे भी देखो सब पटका डालते हैं, लेकिन ये प्रॉपरली ब्रजवासियों का स्टाइल है, ये ऐसे वो ही डाल के रहते थे कन्हैया जी। अब वो भी ऐसी एक काके हमारे गांव में कहवा दो स्वापी, आपने कभी हमारे ब्रज की बरात करी है? 10-15 साल पहले, अभी नहीं, 10-15 साल पहले करी है? ना करी होगी तो बताऊं, हमारे ब्रज में जब बरात जाए ना, आय हाय कैसे बढ़िया सो पजम्मा और सफेद बुरसट यहां तक की, और एक नई तौलिया यूं, और आंखन में लगा लें काजर, और चल बोलो कन्हैया लाल की। बिना तौलिया के नहीं निकले, जिसको आप लोग आजकल टावल कहते, हमारे ब्रज में की तौलिया स्वापी, और कहीं गमछा भी कहते, हमारे ब्रज में गमछा नहीं कहते, हमारे ब्रज में कहें स्वापी और तौलिया, ये हमारे ब्रज की भाषा। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे दिल्ली वाले कहते टावल, वेयर इज माय टावल। लेकिन बात तौलिया के बिना बरात नहीं हुई, भोजन के बाद वही त्याग कहता, और कछु लानो हो तो वही में। कई काम करे वो तौलिया, छोटी नहीं है, कई काम करे, और कई बार तो सब राधे राधे बोलना तुम्हारी सुबह है। ये ब्रजवासी बड़े साफ दिल के अमीर होते हैं, एक ही वस्त्र से कई काम करते, ज्यादा मोह नहीं पालते ये। और कहीं गए अगर उसने पत्तल दे दी, पत्तल बांध दे दे, आजकल जैसे आप डिब्बा देते हो ना मिठाई के डिब्बे, डिब्बे नहीं पत्तल में भी ले भाई बांध दे आई, और जो लटका के चलता बने गाओ पहुंच गो घर ऐसा। तो ये ऐसी ब्रजवासी एक ब्राह्मण हो बेचारो, परिक्रमा दे रो वाने ऐसी स्वापी लगा रखी, और परिक्रमा दे रो, और उस बाहर के भक्त ने बड़ी गंदी हो रही थी, उस पे धूल वूल रज बज बहुत लगी हुई थी उस पे, ये ना बहुत साष्टांग प्रणाम भी किए थे उसने, 5-7 साष्टांग प्रणाम किया तो सारी ब्रज रज भी लग गई उस पे,
अब जो बाहर से आए हो एक सेठ जी, और सेठ जी ने कही भगत जी राम राम, आप ब्रजते ही हो? बोले पक्को, नेकाद ना हूं कहूं ते आए के ना बस जो टोटल नहीं पैदा भयो, हमारे पूर्वज नहीं के, हम लोग सांडिल ऋषि की संतान है, हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अच्छा जी ब्रज के ही हो? बोले हाँ जी। अरे ले एक बात बताओ, हमें जी अंग वस्त्र मिल जाए वो आपको? अंग वस्त्र? बोले जो आपने ये डाल रखा है ये हमें मिल जाएगा? क्यों भाई तू जाको कहा करेगो? बोले नहीं, अगर आपकी कृपा, अरे कृपा ब्रपा तो है जाएगी, दान दक्षिणा देवे की वजह तू हमारे गमछा और ले जा रहे हो, हमारी स्वापी वो ले जा रहे हो। अरे भैया बाहर ते ले सेठ भाटिया ने आओ करे कचु दान दक्षिणा देवे के लिए और तू हमारी ये वो ले जा रहे हो? अरे बोले महाराज ऐसे नहीं ले जाऊंगा, जो आप बताओगे या कि वही सेवा दूंगा। बोले कितनी देगो? बोले जितनी आपके उसो। बोले ना भाई तू ही अपने मन से बता। बोले जी $1 दूंगा, $1। $1 को मतलब है गो 5,000 रुपए। बोले अच्छा देगा? बोले हाँ ठीक है, एक काम कर आज ना है कल आइयो लेवे, कल दूंगा। अब ब्रजवासी थोड़े ब्रजवासी थे वो, थोड़े से रसगुल्ला के चक्कर में लालच में आ गए। बोले बिना धोबी स्वाफी के जब ये $101 दे रहा है तो जरा धोखे दे दूंगा, तो हो सकता है 201 या 501 दे। जट दूसरे दिन परिक्रमा दे रहे थे, फिर वो ही सेठ जी मिले, भगत जी मिले। बोले उनको भगत जी इधर आओ। बोले हाँ जी। बोले ये लो धोखे ला, बड़े साफ एकदम बाइट बाइट लो। बोले क्या लो? बोले कल आप इसके $1 दे रहे थे डॉलर, अब तो मैं धोखे लाया हूं, अब कितना दोगे? बोले एक कहू ना, अब नहीं देंगे एक कहू ना। क्यों अब क्यों नहीं दोगे एक कहू ना? बोले यूं नहीं देंगे एक कहू ना, जब कल आप आए ना तो यहां में ब्रजरज लग रही, तो या की कीमत अनमोल ही, और आज यहां में ब्रजरज ना लग रही, या लिए या की कीमत ना है 2 पैसा की, या की कीमत ना है 2 पैसा की, वैसे तो मुंह पे बहुत है। जिसके तन पे ब्रजरज लगे वो अनमोल होता है, जिसके वस्त्रों पे ब्रजरज लगे वो वस्त्र अनमोल हो जाता है, और जिसके जीवन में कहीं ना कहीं से वो ब्रजरज आकर लग जाए, तुम्हारा स्पर्श कर ले, वो जीवन अनमोल हो जाता है। जोर से बोलना चाहिए आपको, और जोर से बोलना चाहिए। तो ये है हमारे ठाकुर जी के उस ब्रज की महिमा, ब्रजरज की महिमा, जिस ब्रज को कृष्ण अपना धाम कहते हैं और जिस ब्रज रज को कृष्ण स्वयं भोग लगाते हैं। मेरे भाई बहन, कन्हैया की लीला और आगे बढ़ी। एक दिन की बात है, मैया यशोदा, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मंतर नियुक्तासु निरमंथम स्वयं दधि। एक समय मैया यशोदा अपने कन्हैया के लिए स्वयं दधि का मंथन कर रही, स्वयं अपने हाथों से दधि मंथन कर रही। और मैया कैसी है यशोदा, मैया कैसी है? वो पतली दुबली ना है मैया यशोदा, पतली दुबली ना है, नेक है, बढ़िया सी है, चकाचक। कल जे मैया यशोदा देखी ना आपने कल, ऐसी चक, और ऊपर ते वो सोने की कोंदनी, सोने की, और बड़ी जड़ी भाई वो साड़ी पहन रखी मैया यशोदा ने, वो लंबी चोटी मैया यशोदा के लिए। अब देखो, अब जब कोई अच्छी खासी होगी तो बाकी का जो पीड़ा भी बड़ो चाहिए, पीड़ा बड़ो है, और मैया यशोदा वह पीड़ा पे बैठ के अपने कन्हैया के लिए ऐसे, अब कोई पत्र होगा तो यूं करेगा और कोई नेक थोड़ा सा ऐसे होगा तो ऐसे, ऐसे। दधि का मंथन मैया यशोदा अपने निर्मंथम स्वयं दधि,
माँ यशोदा की विशेषता, कृष्ण के लिए स्वयं अपने हाथों से दधि मंथन करती। दास दासियों की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, अनेकों दास दासियां मैया यशोदा के यहां पर आए हुए सेवा करते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए स्वयं मैया यशोदा अपने हाथों से दधि का मंथन करती है। मेरे भाई बहन, भगवान की सेवा कभी करवानी नहीं चाहिए, भगवान की सेवा स्वयं करनी चाहिए, अपने हाथों से सेवा करनी चाहिए। कई जगह हम जाते हैं ना तो लोग पता है क्या कहते हैं, महाराज जी ये लड़का यहां छोड़ दिया, इससे जो भी काम करवाना हो करवा लेना। और कई लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, महाराज जी कोई भी सेवा हो हमें बताना, हम आपकी सेवा में रहेंगे। ये है स्वयं सेवा और एक है सेवा करवाना। एक तो करवाते, बोले ये मेरा लड़का है, जो भी करवाना हो करवा लेना, एक मैं खुद खड़ा हूं। मैया यशोदा से सीखो, ठाकुर जी की सेवा स्वयं करनी चाहिए, किसी सेवक से करवानी नहीं चाहिए, स्वयं करो यही मेरे काम आएगा। अपने ठाकुर से जब जब तुम जितना प्यार से स्नान कराओगे ना उतना प्यार उमड़ेगा, जितने प्यार से उन्हें वस्त्र पहनाओगे ना उतना प्यार और उमड़ेगा, जितने प्यार से उनके लिए रसोई बनाओगे तो चिंतन बना रहेगा कृष्ण का कि मैं किसके लिए रसोई बना रही हूं, कृष्ण के लिए। तो उतनी देर कॉन्सेंट्रेट कहां होगा तुम्हारा माइंड, कृष्ण पे। तो भोजन बनाया पूरे घर के लिए, लेकिन ध्यान कॉन्सेंट्रेट कहां हुआ, कृष्ण पे, उतनी देर तुम्हारा भजन हो गया। और यही तो मैया यशोदा करती है, अपने हाथों से कृष्ण के लिए माखन तैयार करती है, दधि का मंथन करती है। मंथन और आए दधि का, इतने में कन्हैया आए गए और आए कि मैया को वो मैया की रई पकड़ ली, जग गयो, बोले हाँ मैया मैं जग गयो। अच्छा बता तू इतनी जल्दी काहे गुजर गयो, बोले मैया सोमते सोमते मोए बड़ी जोड़ते भूख लगी, फिर मुंह पे सोयो नहीं गयो, भूख के मारे झट उठ के चले आयो, अब मोए माखन दे दे खाएवे के लिए। मैया बोली अभी दही चल रो है, दधी मंथन है रहो, नेक देर रुक जा, हवाल दे तू। बोले ना मैया मोए इतनी जोड़ते भूख लग रही है कि अब ही चाहिए, रुक क्यों ना जा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या उस ब्रह्मांड नायक को कभी भूख लग सकती है जो सबका पेट भरता है, लग सकती है? इस ब्रह्मांड का पेट कौन भरता है, जितने भी लोग यहां बैठे इनका पेट किसने भरा, मेरे मम्मी पापा ने, हमारे बॉस ने, मेरे रिश्तेदारों ने, किसने भरा आपका पेट, बोले ना, जवाब दो। हम सबका पेट वही भरता है, सबका भरता है। एक और अच्छी बात बताऊं, जितना ध्यान वो तुम्हारे पेट का रखता है उतना ही ध्यान वो चींटी के पेट का भी रखता है। उसके राज्य में, उसके साम्राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता। कहते हैं जग तो सकते हो तुम भूखे पेट, लेकिन उठ सो नहीं सकते तुम भूखे पेट। ये ठाकुर जी की जिम्मेदारी है, ये गोपाल की जिम्मेदारी है। तो वो जो सबका पेट भरता है, क्या उसे भूख लग गई, राज लग रही मैया यशोदा की, मैया वो बड़ी जोर से भूख लग रही है, जल्दी दे दे माखन। मैया बोली आपको ध्यान कैसे हटाऊं, जब माखन के पीछे पड़ गए, माखन सद बनो ना है। बोले कल को ले ले, बोले आज को चाहिए, सद ताजी अवई, तो चल तो जान दे, बोले ना अवई दे। अब मैया कन्हैया को कहती है, वो चंद्रमा देखा है, इस दुनिया में एक मामा ऐसा है जो सबका मामा है, वो हमारे बाप का भी मामा था और हमारा भी मामा है, नाम है उसका चंदा मामा। क्या नाम है, अब बताओ, है ना गजब का मामा, सबका ही मामा है, हमारे बच्चे होंगे उनका भी मामा है, हमारा भी मामा है, हमारे डैडी जी का भी मामा है, सबका मामा है। और मैया यशोदा कह रही है चंदा मामा। अब कन्हैया कह रहे मां कने भूल गए, अब चंदा मामा चाहिए। मैया बोली दही दे वो आसान है, चंदा दे वो तो बहुत मुश्किल है। अरे बेटा या देख देख के खेलो करें, या हाथ में ना लेके खेले। मैया ते कन्हैया बोले दुनिया वारे खेलते होंगे देख देख के,
हम देख के नहीं खेलेंगे, हम तो हाथ में ही लेके खेलेंगे। मानो कृष्ण बता रहे हो मैया यशोदा को, अरे मैया ये तो मेरे हाथ के ही बनाए हुए हैं, इनको तो मैं कहता हूं जाओ सेवा करो। अच्छा सुनो सुनो, जिस दिन सूर्य ना निकले कम से कम एक महीने, तो सोचो विश्व का क्या होगा, जवाब दो, बोलो ना क्या होगा। चंद्रमा ना निकले एक महीने, रात हो ही ना, फिर क्या होगा। जैसे दिन के बाद रात का आना जरूरी है, जैसे रात के बाद दिन का आना जरूरी है, वैसे ही जन्म के बाद भजन भी करना जरूरी है, भजन भी करना जरूरी है। एक बार कन्हैया कन्हैया मैया गोद में बैठे, मैया मैं तो एक बात पूछूं। पूछ बेटा, बोली एक बात बता, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध। अधिकांश बच्चे पूछते हैं मैया मैं तुझे प्यारा लगता हूं, बड़ा बड़ा प्यारा लगता है कि छोटा, छोटा प्यारा लगता है कि बीच का, ऐसे पूछते ना बच्चे। अब कन्हैया ने बड़े छोटे का कुछ नहीं पूछा, मैया से पूछ रहे मैया एक बात बता तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध। जब सारा विश्व और सारे विश्व के रहने वाले लोग अपने को सगा भाई बहन महसूस करेंगे, तभी उस कर्मयोगी की आत्मा को शांति मिलेगी। महाराज जी के वाणी से जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में शब्द निकल रहे थे, एक एक शब्द ये संकेत करते थे कि भगवान श्री कृष्ण अगर प्यासे हैं तो आपके प्रेम के प्यासे हैं, आपकी भक्ति के प्यासे हैं, और अगर भगवान श्री कृष्ण का प्यास बुझानी है, उनको संतुष्ट करना है, तो भक्ति के द्वारा तो वो संतुष्ट होते ही हैं, लेकिन उनकी भक्ति आपस में भाईचारगी को बढ़ाना, सारे विश्व में शांति स्थापित करना, सभी समाजों के बीच में प्रेम का दरिया बहाना, यही उनके लिए सबसे सच्ची भक्ति है और यही उनके लिए सबसे सच्ची श्रद्धा है। उसी श्रद्धा और भक्ति के आकर्षण में मैं भी यहाँ आया हूँ आपके बीच में। मुझे पता नहीं कि ऊपर मुझे क्यों बुलाया गया है, क्योंकि जैसे ये भक्त बैठे हैं हजारों, वैसे ही मैं भी हूँ। हम में और आप में कोई फर्क तो है नहीं। जैसे आप उस कर्मयोगी की भाषा को सुनने के लिए आए हैं, उस कर्मयोगी की श्रद्धा आपको खींच के लाई है, वैसे ही उसी कर्मयोगी की श्रद्धा हमको भी खींच के लाई है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उस कर्मयोगी की चर्चा तो हम कर लेते हैं, उसको याद तो हम कर लेते हैं, लेकिन आपस की दूरियाँ उनकी याद को ठंडा करती चली जाती है। ये दूरियाँ आपस की अगर मिट जाएं, सारे विश्व में शांति स्थापित हो, विश्व के लोग आपस में भाईचारगी का आदान प्रदान करें, तो शायद भगवान श्री कृष्ण के लिए इससे सच्ची श्रद्धा और इससे सच्ची भक्ति और कुछ नहीं हो सकती है। मैं महाराज देवकी नंदन ठाकुर जी को, जो कभी कभी अपनी वाणी के द्वारा से कानपुर को भी लाभान्वित करते हैं, मैं तो चूंकि कानपुर शहर से ही आता हूं, कानपुर में कई बार आपकी चर्चाएं मैंने सुनी हैं, आपकी व्याख्यान मैंने सुने हैं, और इसीलिए उसी आकर्षण में रोहिणी तक आ गया, डेढ़ घंटे का सफर किया तो मैं यहां आया। महाराज जी जैसे दिल्ली से मथुरा वृंदावन, वैसे ही तीन मूर्ति से रोहिणी, जैसे कानपुर से लखनऊ, वैसे तीन मूर्ति से रोहिणी। लेकिन कुछ आपका प्रेम और सबसे बड़ी चीज तो उस कर्मयोगी का की श्रद्धा, उनके प्रति समर्पण का भाव, कि अगर इतनी दूर चल के भी
हमको अगर उस कर्मयोगी की आराधना करने का अवसर प्राप्त हो तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होता है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ तमाम अपने इस पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं। जो संस्था आप लोगों ने बनाई है, मुझे पता लगा है कि प्रत्येक वर्ष आप इसका आयोजन करते हैं, विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, इस ट्रस्ट को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपकी सोच बड़ी व्यापक है, क्योंकि संस्थाएं तो बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन विश्व शांति के ऊपर अगर कोई संस्था बने, इसके माने कि आपकी सोच और आपका दायरा बड़ा व्यापक है। आपकी ये व्यापकता और बनी रहे और इसका विस्तार हो, ऐसी मेरी भगवान श्री कृष्ण से आराधना है, उनसे कामना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंच पर व्यासपीठ पर विराजित मेरे अनन्य मित्र, मेरे आत्मीय बंधु देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, भारत सरकार के केंद्रीय कोयला मंत्री भाई श्री प्रकाश जायसवाल जी, दिल्ली और रोहिणी के इस ऐतिहासिक जापानी पार्क में कथा का आयोजन करने वाले विश्व शांति सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी और सदस्यगण, उपस्थित बंधुओं और बहनों, सुत दारार लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। कहा गया कि पुत्र पत्नी धन दौलत ये तो हर किसी के होते हैं, किंतु संतों का समागम और प्रभु भजन का अवसर, दिल्ली और रोहिणी वासियों आप सौभाग्यशाली हैं कि देवकी नंदन ठाकुर जी जैसे ऐसे युवा मनीषी का आपको कथा का रसास्वादन का अवसर मिल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, एक घड़ी आधी घड़ी राधी मैं पुनाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो सचमुच में मैं इस समय लंबा समय नहीं लेता हुआ केवल इतना ही कहूंगा, योगी राज कृष्ण जिनके गीता का अगर एक श्लोक हम हृदयंगम करके जीवन में उतार लें, मैं समझता हूं ये युगीन वर्तमान समय की जितनी समस्याएं हैं उन सब का समाधान हो सकता है। योगी राज कृष्ण कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्ममे। लोकमान्य तिलक जी ने बड़ी सुंदर टीका में जो इसकी व्याख्या की, लीक से हट करके उन्होंने योगी राज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना, अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन होता है वहां पर श्री है, वहां पर लक्ष्मी है, वहां पर विजय है। बंधुओं और बहनों, आज हमारा समाज अर्थ और काम के पीछे धर्म और मोक्ष को भुला करके इस तरह दौड़ पड़ा है और वहीं से विकृति और समस्याएं पैदा होती है। मैं समझता हूं जापानी पार्क के अंदर हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी की इस कथा के माध्यम से संपूर्ण दिल्ली और हिंदुस्तान की जनता में जो लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश जा रहा है, और ऐसे के अंदर हम फिर से धर्म और मोक्ष की ओर अगर उन्नत हुए तो निश्चित रूप से हमारा ये कथा का श्रवण करना और अधिक जो है हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। मैं इस अवसर पर ठाकुर जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैंने देखा है एक ऐसे संत है जो जहां पर भी जाते हैं वहां पर भारतीय संस्कृति का, वहां पर हमारी देश की एकता और अखंडता का, वहां पर हमारी समाज की समस्याओं के समाधान के संदर्भ में जो मार्गदर्शन करते हैं, सचमुच में मैं यही कहना चाहूंगा कि युग के सृजनहार तुम्हारा अभिनंदन और मानवता के अवतार तुम्हारा अभिनंदन। आपने स्मरण किया और हालांकि लगेगा कि समय कम दिया, लेकिन मैं बता दूं कि मैं और केंद्रीय मंत्री 4 बजे लगभग हम वहां से रवाना हुए, रास्ते के ट्रैफिक में 1.5 घंटे का समय लगा, किंतु मैं समझता हूं कि आपकी कथा के पीछे जो भावनाएं हैं लोगों की, पुनः मैं यही कहूंगा और आयोजकों को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि वे रोजाना इस मंच पर नए नए अनेक धर्मों के
अनेक जाति के वर्ग के संप्रदाय के और जनता के प्रतिनिधियों को। और अंत में यही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठें, आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठें, आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुणे में हमारे अनन्य आत्मीय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का इस अवसर पर, दिल्ली चूंकि मेरी कर्म भूमि है, मैं इस धरती पर इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह आशा करता हूं कि आने वाले समय में ये देश और समाज की इसी तरह से सेवा करते हुए समूचे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति के पताका फहराने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम बोलो। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आपको गोवर्धन की, गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ भी मिले, है ना? सब चाहेंगे, सर ढक लें, सभी लोग बैठकर अपना सर ढक लेंगे और संपूर्ण कथा श्रवण करें। ये आज की भगवान और सदगुरुदेव भगवान, साधु संत महात्मा, अगर कोई हमारे द्वार पर आवे तो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए उनकी पूजा, उनकी सेवा, उनको प्रणाम। जो जीव द्वार पर आए हुए साधु संत का, द्वार पर आए भगवान का पूजन नहीं करता है उसे पाप लगता है। और कृष्ण को कोई भगवान मानने को तैयार नहीं, ब्रजवासी भगवान नहीं मानते, वो कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, अपना मानते हैं। और कृष्ण जानते हैं कि ब्रजवासी मेरी ऐसे पूजा करेंगे नहीं, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये लोग मेरी पूजा करें। तो कैसे करें? दीपावली के अगले दिन ब्रज में एक नियम हो कि सब लोग ब्रजवासी मिलके देवराज इंद्र की पूजा कियो करें। और जब देवराज इंद्र की पूजा करो करेगा तो ये रीति रिवाज बड़े समय से चले आ रहे हो, देवराज इंद्र की पूजा करवे की। अब ठाकुर जी बोले ये इंद्र की पूजा तो बहुत दिन अंत होती आ रही है, अब कछु बदल लो, कछु तो बदलो। तो ठाकुर जी ने इंद्र की जगह गिरिराज की पूजा को प्रस्ताव रखे। कैसे? वो लीला बड़ी सुंदर है। गिरिराज की पूजा के लिए, इंद्र की पूजा के लिए बड़ी बड़ी सामग्री बन रही, बड़े पुआ, कचौड़ी, पूड़ी, लड्डू, इमरती, हलवा, बड़ी बड़ी सामग्री तैयार है रही, बड़ी खसोई आ रही। और जब बड़ी खसोई आ रही, सुगंधी आ रही, कन्हैया बोले ऐसा लगे आज तो बड़े माल छनेंगे, बड़ी खसोई आ रही है, सुगंधी आ रही है। तो सुगंधी को जब उन्हें महसूस कियो तो श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास गए और मैया यशोदा ते पूछी, मैया ये इतने भोजन की सामग्री कायकू बन रही है? हाँ मैं जानू मैया, तुम होते बड़ो प्रेम करे है ना, या लिए तुम मेरे लिए बना रही है ना? बोले ना, तेरे लिए ना बना रही। तो बोले हमारे कुल देवता की पूजा है। और कन्हैया बोले दुनिया भर को देवता में आके घर में बैठे हूं और ये पता ना जान कौन से देवता के काजी पूजा कर रही है, कौन से देवता की तैयारी कर रही है। अरे मैया का देवता वेवता तू देवता ने छोड़, तू पहले मोई खवा। बोले देख कन्हैया हाथ मत लगाइयो इनते, नहीं तो ये पूजा की सामग्री है झूठी है जावेगी, मैं तो बहुत जोर से मारूंगी। मैया ये देवता कौन है? बोले अपे बाबा ते पूछ मो ना पता। और बाबा के जोर गए तो वहां पूजा की तैयारी चल रही, तो वार्तालाप चल रहे हो कैसे पूजा करें, कहां तक भैया कौन सी जगह बैठ के एक जगह, वो सब ऐसी पूजा से पहले स्थान इत्यादि नियुक्त करना होता है, सामग्री एकत्रित करनी होती है, क्या आया क्या नहीं आया, ये सब बातें हो रही थी। इतने में कन्हैया पहुंचे, कन्हैया पहुंचे, बाबा बाबा मुझे बता जी कुल देवता कौन है? बोले इंद्र। अरे बाबा कमाल करे, काय को देवता ही इंद्र? अरे ना बेटा ऐसे ना बोलो, करे इंद्र की पूजा करे थे, समय समय पे वर्षा होए, गैयन के काजे तृण, हमारे काजे अन्न पैदा होए, या लिए इंद्र की पूजा जरूरी है। बाबा एक बात बताऊं, एक मेरो देवता है, नाम है वाको गिरिराज,
और वो ऐसा देवता है कि मेरे संग हमेशा रहे। अब न्यूनाय बता रहे कि मैं देवता हूं, यो नहीं बता रहे मैं देवता हूं, यो बता रहे मेरो देवता मेरे संग हमेशा ही रहे। अगर तुम सब मिलके मेरे देवता की पूजा करोगे तो यह ब्रज के ऊपर कभी संकट नहीं आएंगे। ये व्यक्ति भगवान की भक्ति कब करता है जानते हो? जब इसको ये बता दिया जाए कि भगवान की भक्ति करने से तेरी मुसीबत टल जाएगी, झट आ जाता है। सब ब्रजवासी बोले, अगर हमारे कन्हैया पे जो इतने संकट आ रहे हैं, अगर या कन्हैया के देवता की पूजा थे वो संकट समाप्त है जाए तो आज हम कन्हैया के देवता की पूजा करेंगे चाहे कछु हो। और सब चल दिए गिरिराज की पूजा करवे के लिए। बड़ी बड़ी वो समय तो बैलगाड़ी चलो करें हैं, आजकल की तरह मोटर गाड़ी थोड़ी चलो करें कि ऑर्डर दे दिए और आए गए। बड़ी बड़ी बैलगाड़ी महाराज सब में पूजा की और भोग की सामग्री लई और बड़े बड़े सब लोग रसिया गामते भाई जा रहे हैं। गोवर्धन पहुंचे गिरिराज की तरेटी में, और गिरिराज की तरेटी में पहुंच रहे हैं रसिया गामते भाई। ज्यादा नहीं, एक कड़ी गुनगुनाएंगे आप मानसिक तौर पर सोचिए कि हम भी गोवर्धन पहुंच रहे हैं। कोई ये ना सोचे हम रोहिणी में बैठे हैं। रोहिणी बलराम जी की मां का नाम है ना, कितनी अच्छी जगह है, चाहे नाम से ही सही पर है तो पवित्र जगह। यहां बलराम जी की मां का नाम है रोहिणी। आइए मन से सोचे कि हम गोवर्धन में बैठे हैं, गोवर्धन में पहुंच रहे हैं। की दे परिक्रमा सात कोष की दे परिक्रमा ओ सात कोष की दे परिक्रमा सात कोष की दे परिक्रमा मैं तो मानसी हूं मैं तो मानसी हूं मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा सर ढक ले। जैसे ब्रजवासियों ने परिक्रमा की थी वैसे हम और आप भी गोवर्धन की परिक्रमा, यहां से हम मानस परिक्रमा करेंगे, मानसिक परिक्रमा। और जो भी लोग इस मानसिक परिक्रमा में शामिल होंगे उन्हें एक गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ यहां बैठे बैठे मिलेगा। लेकिन जब तक परिक्रमा पूरी ना हो, आप में से कोई खड़ा ना हो, बोले ना,
और सब लोग यही सोचें, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे आपके मन में वो धारणा आनी चाहिए, मन में वो भावना आनी चाहिए। जब आपके मन में ये भावना आ जाएगी तो आपको यहाँ बैठे बैठे ही गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ मिल जाएगा। हमारे ब्रज का प्रत्यक्ष देवता है गोवर्धन, और दिल्ली वालों को बताना जरूरी नहीं है क्योंकि दिल्ली वाले ये सब जानते हैं। आप लोग जब बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं तो चाहे गाड़ी से ही सही, दिल्ली वालों की नई रिवाज शुरू हुई है, ये जो नई रिवाज है ना दिल्ली वालों ने शुरू की है गाड़ी से परिक्रमा देने की। दिल्ली वाले बहुत आगे हैं, बहुत ज्यादा आगे। हम लोग पैदल परिक्रमा दे दे के मर गए, हमारे पूर्वज दिल्ली वालों ने कहा बोले गाड़ी से भी करो, है बड़े चालाक है। पर अच्छा है, अगर पैदल ना चल सको असुविधा है तो उतना फल नहीं मिलेगा, कुछ तो फल मिलेगा गाड़ी से दे लो, लेकिन कुछ ना कर सको तो दर्शन तो कर लो। गोवर्धन जाकर दर्शन करने में भी आपका कल्याण है। और आज तो देखिए तो सही, आज तो सौभाग्य है कि भागवत में आपको यहां बैठे बैठे ही परिक्रमा का लाभ मिला। आंखें बंद करें और सब लोग श्री कृष्ण का ध्यान धरेंगे। गोवर्धन हमारे ब्रज के, गिरिराज हमारे ब्रज के प्रत्यक्ष देवता हैं। जो भी जीव गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, कहते हैं साध पूर्णिमा के दिन अगर आप सात लगातार परिक्रमा कर ले तो 84 लाख योनियों के बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। इतनी महिमा है गिरिराज की परिक्रमा की। तो आइए एक मानसिक परिक्रमा हम और आप यहां से करेंगे। हम और आप सभी गोवर्धन में पहुंचे हैं और सर्वप्रथम दान घाटी पे श्री गिरिराज महाराज का जो मंदिर है वहां गिरिराज महाराज के दर्शन कर रहे हैं, और वहीं से साष्टांग प्रणाम करके हम और आप सभी गिरिराज की परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। याद रखें परिक्रमा देते वक्त बात नहीं करनी है, सिर्फ कृष्ण का भजन। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो गिरिराज की स्तुति करने की बजाय, भजन करने की बजाय वो दुनिया की बातें करते करते परिक्रमा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। गिरिराज की परिक्रमा जितनी देर भी देते रहो सिर्फ भगवान का भजन करते रहो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री गिरिराज महाराज का दूध से अभिषेक करें, फिर शुद्ध मानसी गंगा के जल से शुद्ध जल अभिषेक करें, उसके बाद गिरिराज भगवान को 56 भोग लगाएंगे हम और आप सभी। 56 भोग पा रहे हैं हमारे गिरिराज वाकर भोग लगा रहे हैं, मेरे ठाकुर भोग लगा रहे हैं। उसके बाद साधु संत ब्राह्मणों को जिमाना है, भंडारा करना है, सभी को भंडारा जिमा रहे हैं। भगवान को भोग लगाया, फिर साधुओं को भंडारा जिमाया, उसके बाद वहां महाप्रसाद ही ली, और ब्राह्मण साधु संतों को दक्षिणा देकर विदा कर रहे हैं। महाप्रसाद लेकर के राज महाराज को बार बार प्रणाम करके एक ही प्रार्थना, तरहटी गोवर्धन की रही है, नित उठे मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लई, तन पुलकित ब्रज रज में लोडत गोविंद कुंड में नहीं है, रसिक प्रियतम हित चित की बातें गिरधारी चूसो कही है, तरहटी गोवर्धन की रही। प्रार्थना यही कि हे गिरिराज, हे गोवर्धन, हे कृष्ण, हे माधव, जीवन का जब अंतिम समय हो तो गोवर्धन की इस तरहटी में ही हमारे जीवन का अंतिम समय गुजरे, ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना। ब्रज में चाहे
गोवर्धन की तरेटी में पेड़ पौधे भी बनकर अगर जीवन गुजारने का मौका मिलता है तो वो जीवन वो समय बड़ा पवित्र बड़ा सुंदर होता है, जिस गोवर्धन की स्वयं कृष्ण परिक्रमा करते हैं। वैसे कृष्ण और गिरिराज अलग नहीं है, दो नहीं है, एक ही है, लेकिन कलयुग के लिए आज भी वो गिरिराज बनकर वृंदावन में गोवर्धन में विराजमान है। जहाँ वो निधिवन में आज भी आते हैं वहीं गिरिराज श्री आज भी वहां पर विराजमान है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। साष्टांग प्रणाम करके भगवान से यही मांग कर कि बार बार तुम्हारे दर्शन होते रहें, बार बार तेरे दर पे आते रहें। आप लोग हाथ जोड़ेंगे, सभी सभी लोग हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करेंगे। गिरिराज भगवान हमारे मध्य में आएंगे और आपको प्रार्थना क्या करनी है, कर दो बेड़ा पार किशोरी हा? कर दो बेड़ा पार किशोरी तेरा क्या घट जाएगा, कर दो बेड़ा पार किशोरी तेरा क्या घट जाएगा। कोई भी खड़ा नहीं होगा, बैठ के स्तुति करवा रहा है, सब स्तुति करेंगे बैठ के हाथ जोड़ के, कोई भी खड़ा नहीं, ताली बजाते रहे, नृत्य कोई नहीं करेगा, स्तुति करेंगे। कर दो बेड़ा पार किशोरी तेरा क्या घट जाएगा, कर दो बेड़ा पार किशोरी तेरा क्या घट जाएगा। मेरा भी ओ श्यामा, मेरा भी ओ श्यामा सारा कष्ट मिट जाएगा, मेरा भी ओ श्यामा सारा कष्ट मिट जाएगा। कर दो बेड़ा पार, जल्दी अगर जानेंगे। अरे कभी तो वो वक्त निकालो जो सिर्फ कृष्ण के लिए हो, दुनिया के लिए समय ना हो। है? जितनी देर तुम यहां बैठे हो ना, ये समय धन्य है, ये समय पवित्र है। इस समय की कीमत परमात्मा भी तुम्हें दे नहीं सकेगा लाल मैया, ये समय अनमोल है। क्यों? ये समय मेरे ठाकुर के लिए निकला है। किसके लिए निकला है, किसके लिए निकल, बदल दो। मचाती रह गई सो मैं, मचाती रह गई सो या पकड़ो रे पकड़ो, अरे वो गयो श्याम मटुकिया फोर या पकड़ो रे पकड़ो, गयो श्याम मटुकिया फोर या मैं मचाती रह गई सो, मैं मचाती रह गई सो या पकड़ो रे पकड़ो। गयो श्याम
टुकिया पोरी आए पकड़ो रे पकड़ो जय श्याम टुकिया पोरी आए पकड़ो रे पकड़ो। सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं, बैठा कोई ना रहे। और कन्हैया की शिकायत करे मैया यशोदा से प्रेम से नाचते हुए हरि बोल। यशोदा ने मूड पे चढ़ायो मैया यशोदा ने मूड पे चढ़ायो हे नटखट माखन चो हे नटखट माखन चो याए पकड़ो रे पकड़ो मैं मचाती रह गई सो मैं मचाती रह गई सो ये पकड़ो रे पकड़ो दान का नाम के सारे सुनो कन्हैया मुंह से माखन का दान नहीं मांगते क्यों चोरी पकड़ी जाएगी क्या चोरी अब पीछे वालों की चोरी पकड़ी जा रही है क्योंकि वो हिल ही नहीं रहे वो समझ रहे पैसे मांगे दधी को दान का नाम के सारे नाम है माखन जो बदनाम है माखन जो ये पकड़ो रे पकड़ो घूंघट के पट हंस हंस खोले।
पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 251,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 121,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094443 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छटिकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400, मोबाइल 9212210143, वेबसाइट www.vsscity.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vsscity.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी।